नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के प्रशासनिक महकमे से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बिहार सरकार ने 5 डीएसपी रैंक के अफसरों पर एक्शन लिया है। जी हां, आपको बता दें कि तमाम अफसरों पर यह आरोप है कि इन्होंने ड्यूटी के वक्त लापरवाही बरती है। जी हां, आपको बता दें कि राज्य के अलग अलग अनुमंडल में एसडीपीओ के पद पर तैनात रहे डीएसपी रैंक के 5 अधिकारियों के ऊपर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है और इस मामले में इनके ऊपर एक्शन भी लिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इन सभी डीएसपी के ऊपर जो एक्शन लिया गया है वह सिर्फ वेतन वृद्धि पर रोक और आर्थिक दंड से जुड़ा हुआ है। जिन अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया गया है उनमें पटोरी के तत्कालीन एसडीपीओ विजय कुमार को पहले ही वेतन वृद्धि पर रोक की सजा दी गई थी, सजा को बरकरार रखा गया, जबकि जयनगर के तत्कालीन एसडीपीओ सुधीर कुमार के साथ साथ बगहा के एसडीपीओ सहित संजीव कुमार और जहानाबाद के एसडीपीओ रहे अशफाक अंसारी को अलग अलग मामलों में दंड दिया गया है। इन 3 अधिकारियों को नंदन के साथ साथ 2 वेतन वृद्धि पर रोक की सजा भी दी गई है। डीएसपी रैंक के 1 अधिकारी ऐसे भी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्हें पेंशन में आर्थिक दंड दिया गया है। दलसिंहसराय के तत्कालीन एसडीपीओ राम सागर शर्मा को पेंशन में 10% की राशि 3 सालों के लिए कटौती का दंड दिया गया है। गृह विभाग के इन अधिकारियों के ऊपर दंड से जुड़ा आदेश जारी किया गया है और इस तरीके से बता दें कि बिहार सरकार ने इन 5 डीएसपी पर लिया है और इनके ऊपर यह आरोप है कि ड्यूटी के रहते वक्त इन्होंने उस पर लापरवाही बरती। यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जहां पर सरकार ने इन अधिकारियों पर एक्शन लिया। बता दें आपको कि 23 रजिस्ट्रार के ऊपर भी सरकार ने एक्शन लिया था। मामला था कि मद निषेध निबंध जो कार्यालय है छठ में उसकी छुट्टी कैंसिल करा दी थी और उसी से सरकार के आदेश को लेकर जो अधिकारी थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज थे, इसका विरोध जता रहे थे और फिर इन 23 रजिस्ट्रार जो हैं वो सभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद से सरकार ने इनके ऊपर भी एक्शन लिया था और 1 दिन का जो वेतन है वो रोक दिया गया था। हालांकि सरकार ने जो एक्शन लिया था कि अभी जो निबंध कार्यालय है वहां की जो छुट्टी है उसको कैंसिल कर देगी। बाद में इन रजिस्ट्रार के विरोध करने के बाद सरकार को ये फैसला भी वापस लेने पड़े और शनिवार यानी कि कल से इन कार्यालय जो कार्यालय है ये बंद रहेंगे और छठ की छुट्टी दे दी गई है। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जो अधिकारी लापरवाही बरतते हैं उनके ऊपर सरकार एक्शन नहीं लेती है, बल्कि एक बार फिर से बिहार के 5 डीएसपी पे बिहार सरकार ने एक्शन लिया है। उनके ऊपर भी यही आरोप है कि ये सभी ड्यूटी में तैनात रहने के वक्त भी अपने ड्यूटी में ये सभी लापरवाही बरते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे बिहार इन शॉर्ट्स। धन्यवाद।